निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा लाहौर। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा किया। निगरान वजीर आजम की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ। लाहौर जब भी आते हैं मोहसिन नकवी की स्पीड से विफाक को हसद होता है। निगरान वजीर आजम की गुफ्तगु कारोबार के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम को भी काबिले सताइश करार दिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का नए साल का बड़ा तोहफा। 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। वजीर आला का अपग्रेडेशन के बाद 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह, जबकि थाना गुलशन इकबाल की इमारत का भी बाजाब्ता इफ्तिताह किया। वजीर आला ने थाने के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना और फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। नए साल पर मोहसिन पंजाब का आवाम को एक और तोहफा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर हसन मुराद रोड अकबर चौक का इफ्तिताह कर दिया। आवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ है, कोशिश है ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सके। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। साल 2024 का आगाज। वजीर आला मोहसिन नकवी का फलाह आमा के मनसूबों का दौरा। रात गए कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट का तफसीली मुआयना किया। वजीर आला ने 2 घंटे तक 7.3 किलोमीटर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन। प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भत्ता लेने का नोटिस। भत्ता माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई का हुक्म। बाबू साबू से सगिया तक पैकेज 2 और सगिया से न्याजी चौक तक पैकेज 1 का मुआयना। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे में पीएचए की गफलत। ब्रिज के नीचे प्लांटेशन वर्क अधूरा छोड़ दिया गया। मंसूबे का 2% फंड शजरकारी के लिए वसूल किया गया था। 1 माह से मंसूबा मुकम्मल, ताहाल प्लांटेशन वर्क मुकम्मल ना हो सका। ब्रिज के नीचे जगह जगह मलबा और ग्रीन बेल्टों की सफाई भी ना हो सकी। सिफर पोलियो केस के साथ साल 2023 का इख्तिताम। पंजाब हुकूमत बच्चों को पोलियो से महफूज रखने में कामयाब। सूबों में पोलियो सर्कुलेशन के बावजूद पंजाब में कोई केस सामने नहीं आया। साल 2023 में 9 मुहिमात चलाई गई। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग स्टेशन की तादाद का मामला। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का पोलिंग स्टेशन की तादाद में इजाफे का फैसला। शहर में आइंदा साल पोलिंग स्टेशन की मजमुई तादाद 4354 होगी। 2018 के आम इंतखाबात में 3885 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। पंजाब में 5820 पोलिंग स्टेशन हसास करार। महकमा दाखिला ने डीसी को हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। जनरल इंतखाबात 2024। लाहौर के 1500 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 1000 सरकारी और 500 प्राइवेट स्कूलों में पोलिंग करवाई जाएगी। 16000 असातिज़ा और 1500 नॉन टीचिंग स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सीसीटीवी कैमरों, बिजली, सफाई और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। लाहौर के 3 कॉलेजेस में असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग का सिलसिला जारी। सर्द मौसम में भी बिजली की बदतरीन ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग। लेस्को में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। शहर में 4 जबकि मजाफात में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग होने लगी। 11 केवी फीडर्स के बजाय ग्रिड स्टेशन को बंद करके लोड शेडिंग शुरू की गई। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को मुश्किल का सामना। ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। 7 माह के अरसे में मुरम्मत का काम मुकम्मल ना हो सका। पैदल चलने वालों समेत मोटरसाइकिल और गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर। शहरियों का इंतजामिया से सड़क की हालत ज़ार पर तवज्जो देने का मुतालबा। उधर इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक मेन रोड गुज़श्ता 10 माह से टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को परेशानी का सामना। शेरांवाला गेट पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दुकानदारों की हठधर्मी अरूज को पहुंच गई। ग्राहकों को खरीदारी करने में मसाइल का सामना। बाजार का निसफ हिस्सा रेहड़ियों और मोटरसाइकिलों की नजर। साल बदल गया लेकिन महकमा सियाहत के हालात जो के तो। महकमा सियाहत के जल्लो रिजोर्ट का काम ताखीर का शिकार। महकमे को फंड देर से मिलने के बायस ताखीर का सामना। 5 माह में मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट भी अभी तक सिर्फ ढांचा पेश कर रहा है।
स्याहों को दी गई उम्मीद सिर्फ हवाई बातों तक महदूद नजर आने लगी। जगह जगह गंदगी के लगे ढेर, इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। लाहौर बोर्ड में बनाए गए फ्लैट्स में रहायश पजीर मुलाजमीन की मौजें, मुलाजमीन सिर्फ 499 रुपए माहाना में बिजली की कई सौ यूनिट इस्तेमाल करने लगे। फ्लैट्स में 499 रुपए माहाना बिजली मिलने पर दीगर मुलाजमीन ने एतराज उठा दिया। बोर्ड इंतजामिया ने मुलाजमीन के एतराज पर सालाना ऑडिट रिपोर्ट दुबाली। बोर्ड हुकाम ने बिजली के बिल के मामले में चुप साध ली।